है व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सुमित व्लॉग एंड म्यूजिक। तो आज की जो वीडियो है गाइज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बाइक लवर्स और बाइक राइडर्स के लिए। तो गाइज हमारी वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप ज़रा भी मत कीजिएगा। तो ये देख सकते हैं ये टंकी है, हैंडल है, ये सब चीज़ गाइज हमें मॉडिफाई करवानी है गाड़ी का, और ये सब चीज़ जो है हमें हटवानी है, नई लगवानी है। सिर्फ इंजन इसका रहेगा, बाकी हैंडल, मडगार्ड, सीट, साइड कवर, टंकी और टायर्स, जंप, तकरीबन हमें ये नया सामान लगवाना है। तो गाइज देखिएगा इसका आफ्टर लुक, ये देख सकते हैं आप, ये हमारी गाड़ी है 70, और ये मेरे रियान भाई। वालेकुम सलाम रियान भाई, कैसे हैं आप, ठीक ठाक है, मजे में, सब ठीक ठाक है अल्लाह का शुक्र। अच्छा रियान भाई ये बताया, हमें 70 गाड़ी है, आप क्या बना रहे हैं इसको? बड़ी गाड़ी, वाह वाह, रियान भाई ये क्या है जो आपने अभी निकाला? ये इसकी टी है, टी की ना देखो पाइप भी पूरा कट चुका है, जूम करके दिखाएंगे। हाँ ये एंड पे दिन ज़्यादा दिन और चलती टूट के बाहर आ जाती है। अच्छा ये हैंडल का होता है ना, हैंडल में जो Oh, 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 oh
और सबसे अहम बात गाइस, जो मैं हर वीडियो में बोलना भूल जाता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, पहला आइकन भी प्रेस कर दिया करें गाइस, इससे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी और इस वक्त बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो जो हमारे चैनल पर नए, और इस वीडियो को शेयर किया करें, हमारे चैनल को शेयर किया करें और कमेंट किया करें अच्छे अच्छे। देख रहे हैं जैसे इसके चोट ज्यादा घिरी लगी हुई थी, हड्डी बाहर आ गई थी गोश्त से, देख रहे हैं ये साइड ये चीज। अच्छा, तो ये राड वगैरह लगा के इसको जो है इसकी हड्डियां टाइट कर ली है। हाँ, इसको रिपेयर करा है, किसी काम का नहीं लगेगा। नहीं, हमारे पास ऐसी सी दवाइयां हैं, यही चलेंगी आपके सामने, चलेगी या भागती हुई नजर आएगी आपको, टेंशन की बात नहीं है। देख रहे हैं ये पट्टा है बड़ा वाला, दवाई इस पे लगी हुई आप देख सकते हैं, बिल्कुल सही हो गया ना, मतलब ना देख लिया, जख्म भर गया है, बेहतरीन है, जख्म कुछ भी नहीं है गई इसमें, देखिए निशानवान कुछ भी नहीं है इसका। फिर क्यों बांधी गई थी पट्टी? इसकी टांग टूट गई थी। अच्छा, अभी जुड़ गई ना। हाँ, ठीक में अच्छा वाला दिया ना हमने, कितना बड़ा नहीं। ये है ओल्ड सामान गाइस, देख सकते हैं आप, हमारी 7086 मॉडल का, ये देख सकते हैं, ये है चंप स्टैंड मरगार्ड वगैरह, सब जितनी भी चीज़ें थी, चेन कवर चेन सेट हमने सारी हटवा दी है, ये देख सकते हैं बिल्कुल से ये कचरा है, कुछ भी नहीं हमारे किसी काम का, और नया सामान भी दिखाएंगे आपको। और ये आ चुके हैं गाइज, हम देख सकते हैं आप क्रोम शॉप पे, हमारे रेहन भाई हैं, हमारे मकेट मुनसम ने मशवरा किया था कि क्या हम नया सामान डालें या वही पुराना सामान रखें। ये 1986 मॉडल का सामान है, ये देखें कितनी शाइनिंग और कितनी चमक है इसमें, क्रोम करवाया हमने सामान गाइज, इस पर ख़र्चा नहीं किया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा सामान है। ये ड्रम सेट देख सकते हैं आप, और झम पे जितना भी स्टेनलेस सामान है वो हमने क्रोम करवा लिया है ना, ये देखें शाइनिंग चेक करें गाइस इसकी। तो आ गए हम शॉप पे वापस से होकर मेले में, तो ये हमारा चेचेज़ है, चेचेज़ तकरीबन तैयार हो चुका है, कलर वगैरह हो चुका है इस पर, चेचेज़ को थोड़ा सा बड़ा किया है। ये चिमटा है, चिमटा भी हमने न्यू लिया था, तो ये देखें मरगार्ड वगैरह लग चुका है इसमें, बाकी काम इसमें स्टार्ट है, और दिखाते हैं इसकी आगे की कंडीशन आपको। Thank you.
गाइस फाइनली हमने सारा सामान परचेस कर लिया है। ये देख सकते हैं, ये झंप है, मरगार्ड है और चिमटा है, हेडलाइट है, बैग लाइट है, हैंडल है, तकरीबन सारा सामान जो है हमने न्यू परचेस किया है। तो बस इसको हम अभी गाड़ी में लगवाने वाले हैं, लगवाएंगे इंशाल्लाह और फिर आपको एक बार लुक दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आप, मडगार्ड लग चुका है, टायर लग चुका है, झंप लग चुके हैं, अब ये हेडलाइट लगाने की तैयारी कर रहे हैं हमारे रैन भाई। और बस ये हैंडल लगेगा इस पर, बाकी काम भी आपको दिखाएंगे कैसा हो रहा है।
गाइस बस फाइनल लुक में आने वाली है हमारी गाड़ी, देख सकते हैं टंकी हमारे ध्यान में लगा रहे हैं। इसमें टंकी फिटिंग करके साइड कवर लगाएंगे, सीट लगाएंगे, उसके बाद तकरीबन हमारी गाड़ी जो है वो देखने में आ जाएगी। जब इसमें टंकी लगी तो गाड़ी काफ़ी अच्छी हो गई थी, ये देख सकते हैं आप। इसमें सीट लग चुकी है, टायर लग चुका है, जंप लग चुके हैं, टंकी लग चुकी है, बस रनवे बैटरी लगा के मुझे दिखाएंगे कि ओवरऑल ये सही है। इसकी लाइटिंग वगैरह, इंजन लगना बाकी है गाइस। इंजन अभी क्रोम पे है, उसका सामान जो है वो अभी बना नहीं है तकरीबन, तो इस वजह से लेट हो चुका है। 2-3 दिन लग चुके हैं हमें ना क्रोम की शॉप पे, क्योंकि उनके पास काम ज़्यादा था, इस वजह से वो हमारा काम नहीं हो पाया ना। तो ओवरऑल गाड़ी इन्होंने बिल्कुल ओके कर दी है। गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं आप, बिल्कुल न्यू हो चुकी है ना। ये पन्नी वगैरह उतरेगी तो बिल्कुल एकदम न्यू हो जाएगी गाड़ी ना। बस ये कि ये देख सकते हैं लाइट वगैरह ऑन हो चुकी है, गाड़ी ऑन हो चुकी है गाइस हमारी। बस अभी देख सकते हैं आप, उसके बाद इंजन लगना बाकी है। फाइनल लुक ये है गाड़ी का। We'll be right back.